हमको वैक्सीन लगवा फोटो नहीं बन रहा चल हो गया भाई सर दो मिनट तक दो मेरी बात सुन भाई सर ये हमारी बहने संदेश दे रही है समाज संदेश देने निकल पड़ा है डरे न डराए कोविड टीका जरूर लगाए इसी से जिंदगी बचेगी आराम आराम से होता रहेगा इस गीत के माध्यम से प्रज्वलित करते हुए कि ये संकट विश्वास कैलाश सारंग जी समेत पचौरी जी तो चलो बढ़ो और नहीं डरो बस यही सभी से विनती है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश में आज 7000 सेंटर्स पर एक बार सारंग जी से हम जुड़ते हैं। हमारी बहनों भाइयों भांजे भांजियों मीडिया के मित्रों देखो मेरे बहनों और भाई ये वैक्सीन नहीं है ये जिंदगी का डोज है ये अपने जीवन को सुरक्षा दे दी कोरोना से। वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता वो भयावह दिन आज भी मन तकलीफ और पीड़ा से भर जाता है। वो दिन फिर नहीं लौट ना जाता और इसलिए उसको रोकने का तरीका क्या है क्योंकि वायरस तो है खत्म नहीं हुआ है और दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर चौथी लहर आ रही है तो उस लहर से अपनी जनता को बचाना है। यहां भी कह रहे हैं कि 6 से लेकर 8 हफ्ते के बाद कोई सितंबर में कह रहा कोई अक्टूबर में कह रहा तीसरी लहर आएगी लेकिन हमने तय किया तीसरी लहर आने के पहले पूरी तैयारी करेंगे और जनता की जिंदगी बचाने में जी जान लगा देंगे जनता को सुरक्षा देने में जी जान लगा देंगे। लेकिन सबसे बड़ा उपाय क्या है कोरोना से बचने का तीसरी लहर भी आई तो एकमात्र उपाय है कोरोना से बचने का कि हम वैक्सीन लगवा लें। ये मैं नहीं चाहता पूरी दुनिया कह रही है वैज्ञानिक विशेषज्ञ के प्रभावी तरीका कोई है वो है वैक्सीन लगवाना। इसलिए हमें लगा कि भाई जब वैक्सीन ही लगने से जिंदगी सुरक्षित होगी तो वैक्सीन लगवाएं ताकि अपनी जनता की जिंदगी बच जाए। ये अभियान तो ऐसे नहीं है ये जिंदगी का टीका लग रहा है। अगर तीसरी लहर आई तो जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लग जाएंगे उनको कोरोना प्रभावित नहीं करेगा और करेगा भी तो थोड़ा बहुत उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं होगा ये सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं। और जो हमने जिद ठानी कि चाहे कुछ हो जाए भैया अपनी जनता को वैक्सीन लगवाना है आप भी लगवाएं और जो रह गए हो उनको भी कहें कि भैया तुम भी लगवाओ बहन तुम भी लगवाओ 18 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे लगाएं। इसलिए ये एक तो जिंदगी को बचाने का अभियान है प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी है और जहान भी है तो एक जान बचाने का अभियान और दूसरे जहान बचाने का अभियान भी है। कब तक बच्चे घरों में बैठे रहेंगे और इसलिए वैक्सीन लगवाना ही है ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। पूरे मध्य प्रदेश में आज अभियान चल रहा है हम संकल्प लेते हैं कि कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र अस्त्र टीकाकरण है हम स्वयं इसे लगवाएंगे साथ ही सभी को समझाएंगे कि कोविड बीमारी जानलेवा है इससे होने वाली मौत और खतरों की रोकथाम सिर्फ कोविड टीके से ही संभव है। यह टीका सुरक्षित असरकारी एवं हानि रहित है। आए हम सब मिलकर कोविड 19 टीकाकरण अभियान सफल बनाए और एक बार मैं अपने लाडले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने पूरे अभियान को अपने हाथ में लिया और तय किया कि सबको निःशुल्क लगाया जाएगा टीका। इसलिए मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद
सब टीका लगाइए और सबको टीका लगवाइए। प्रकोप से बचाने की पूरी कोशिश सफलता के साथ से शुरुआत है 21 जून से। अब सभी शासकीय केंद्रों